ठीक है एस एसएससी एसएससी जीडी 2024 एसएससी रिजल्ट अपडेट कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल्स एग्जामिनेशन 2024 ओके स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कांस्टेबल जीडी फोर्स इसमें आपका आ, का भी है राइफल्स और सारी चीजों का दे रखा है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ है सीआईएसएफ है सीआरपीएफ है एसएसबी है स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी फिजिकल इफिशियंटी टेस्ट के लिए आपको यहां पर अपडेट आया हुआ है ठीक है यह आपको अपडेट आया हुआ है हाँ जो बच्चे क्वालिफाई हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं उनको उनके लिए आया हुआ है कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ना तो इसमें आपको क्या क्या दे रखा है पीटी जो फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट है आपके रिगार्डिंग ये आपको दे रखा है ऊपर करते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कंडक्ट कांस्टेबल जीडी इन इन सारी चीज़ों में जिनके जिनके लिए भर्तियाँ करता है जो शॉर्ट लिस्ट बच्चे हैं उनके लिए आपका आया हुआ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में और आपका सारे कैटेगरी वाइज दे रखा है जो जो इसमें आपको सेंट्रल इंडस्ट्रियल सी है बी है सी है आई है आसाम राइफल है ठीक है सेक्रेटेरिएट सिक्योरिटी फोर्स है और यहाँ पर एज पर पैरा फोर्टीन पॉइंट टू ऑफ द नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन द फॉलोइंगम कट ऑफ मॉक्स दे रखा है अनरिजर्व जो है वो कितने हैं थर्टी परसेंट और थर्टी परसेंट यहां पर जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उसमें अनरिजर्व जो है थर्टी परसेंट है ओबीसी ट्वेंटी फाइव परसेंट है ऑल अदर कैटेगरी जो है ट्वेंटी परसेंट है ठीक है एक मिनट एक मिनट हाँ तो फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज ऑफ एसएसएफ एस एफ यहां दे रखा है आ, यहां पर जो कट ऑफ आपका जारी कर दिया गया है कट डिटेल से आप देख सकते हैं फोर्स कैटेगरी कैटेगरी आप अपना वहां से देख सकते हैं फोर्स के बारे में देख सकते हैं के बारे में बोल रहा है सेक। फोर्स के बारे में कैंडिडेट अवेलेबल है एक जो बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया है उनको दे रखा है मार्क्स एक थर्टी फाइव पॉइंट फाइव जीरो एंड पार्ट बी में मार्क्स है एटीन पॉइंट फाइव जीरो और इक्कीस फरवरी दो हजार तीन डेट ऑफ बर्थ है इनकी और इसके बाद है एस टी का आप लोग देख सकते हैं इसमें कैंडिडेट अवेलेबल है नाइन्टी केवल नाइनटी और इसमें आपका वन थर्टी इनका मार्क्स है और पार्ट ए पार्ट बी में मार्क्स आपको दिखाई दे रहा होगा और इनका डेट मंथ ईयर ये तो आपका एज दे रखा है ठीक है तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं जो कुछ बच्चे शार्ट शॉर्ट लिस्टेड हैं वो देख सकते हैं सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो अनडिजर्वड हैं चार और इनका जाता है एक ठीक है एक सौ छियालीस कैंडिडेट अवेलेबल है ईडब्ल्यू एस के थ्री थाउजेंड सिक्स और यहाँ पर फाइव थाउजेंड नाइन हंड्रेड के एस सी के हैं एस टी के थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सिक्स ओबीसी के एट थाउजेंड फोर हंड्रेड टेन अनिजर्व हैं सेवेंटीन थाउजेंड वन हंड्रेड थर्टी एट ठीक है तो इस प्रकार टोटल थर्टी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एट तो आप लोग इससे देख सकते हैं आप लोग में से कितने लोग किसी ने दिया था आप लोग में से किसी बच्चों ने दिया था जीडी का मेल कैंडिडेट का है ना मेल कैंडिडेट अपना देख सकते हैं यहां पर तो ये बताओ भाई कित मेल कैंडिडेट पूरा थ्री लाख टोटल थ्री लैख एट थाउजेंड सेवेंटी सिक्स टोटल कैंडिडेट की संख्या आप देख रहे हैं कितनी बड़ी है टोट एसएससी एसएससी जीडी तो आप लोग में से कितने बच्चों का होता दिखाई दे रहा है बताओ भाई आप लोग संदेश के चैनल पर आप लोग अपना भेजिएगा जो बच्चे मेरे साथ पढ़ते हैं जो प्रैक्टिस करते हैं जो पढ़े हैं संदेश में उस संदेश पर अपना जो है भेजेंगे सारे बच्चे जो है और मनीष सर आइए आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में बताइए देखिए जीडी का अभी रिजल्ट पेट का आया पीटी मतलब फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है उसी का सर आपको बता रहे थे बाकी बच्चों जो भी चीज़ें हैं इसकी डिटेल आप लोगों को संदेश का जो टेलीग्राम चैनल है ऑफिशियल है उस पर आप लिंक है तो वहाँ पर आपको इसका पूरा डिटेल मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स का क्या क्या इनका ऑफ रहा है कैसे कैसे हुआ वो सारी चीज़ें आपको डाल दी जाएगी मुझे बोलना बस दो चाहिए था सबसे बड़ी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग बार बार एस पर फोकस कर रहे हैं अब पूरे प्रयागराज में हमारी संस्थाई ऐसी है जो हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करते हैं तो एस करते हैं उसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा जीडी का आप देखेंगे फॉर्म कब आया है नोटिफिकेशन कब आया है उसका एग्जाम हुआ उसका प्रॉपर टाइम पे आप देख रहे हैं पेट का रिजल्ट आ गया प्रॉपर आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी लेकिन वही स्टेट वैकेंसी में अगर आप देखेंगे तो उसका एग्जाम कब होगा नोटिफिकेशन कब आएगा सिलेबस क्या है पैटर्न क्या है फिर उसके बाद हाई कोर्ट में जाओगे फिर सुप्रीम कोर्ट जाओगे तब जाके आपको फाइनल सिलेक्शन मिलता है इसीलिए बार बार आपको कहा जा रहा बेटा जीवन में एक बार तैयारी ईमानदारी से करो मैं ये नहीं कहता कि आप संदेश से पढ़ लो जहां आपकी इच्छा करे लेकिन वही पढ़ना बेटा जहां ये भी देखना कि कौन कितना रिजल्ट दिया है इस बात को भी ध्यान रखना और रिजल्ट भी दो प्रकार के होते हैं एक रिजल्ट तो खरीदने वाला एक होता है वास्तव में रिजल्ट होता है और जो वास्तव में होता है वो दिखता है खरीदने वाले तो भाई कुछ भी लगा देंगे लेकिन जो दिखता है वही आपके सामने दिखता भी है मैं आपसे एक बात और कहूंगा एस के लिए अगर पूरे साल में आप देखेंगे तो लगभग मिला के आपको चार से पांच वैकेंसी ऐसी मिल जाती है जो प्रॉपर आपके सिलेबस पे होता है जैसे जीडी हो गया सी हो गया एम हो गया सी हो गया सी हो गया ये सबसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो एक ही टाइप के होते हैं और इनमें अगर आपने एक बार ईमानदारी से मेहनत कर लिया छह महीने सात महीने अपने आठ महीने दे दिए प्रॉपर उसके बाद चार महीने आप टेस्ट दीजिए सुबह शाम सिर्फ टेस्ट दीजिए अपने टीचर्स के द्वारा पढ़ाए हुए जो नोट्स नोट्स होते होते हैं क्लास होते हैं क्लास उस पर आप फोकस करिए इनके अलावा आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है अभी जितने बच्चे यहाँ से सी पेपर दिए हैं हम लोगों ने रिव्यू लिया मैं अपने विषय के रिव्यू लिया मैंने बच्चों से एक चीज पूछा कि पहला चीज बताओ क्या आपने सौ क्वेश्चन पढ़ लिया था तो उनका नाइनटी बच्चों का आंसर था मैं सौ क्वेश्चन भी नहीं पढ़ पाया हूं इसका मतलब समझना सौ क्वेश्चन एग्जाम में जाके पढ़ना पढ़ के बेटा टिक मारना बैलेंस के साथ और उसमें से एक्यूरेसी भी होनी चाहिए ये नहीं हो पाती है और इसीलिए हम लोग आपको बार बार कहते हैं कि सात महीने आठ महीने संदेश के साथ यात्रा करिए अगले सात महीने आप कहीं भी जहां आपको ऑनलाइन टेस्ट ऑफलाइन कभी मत देना ऑनलाइन टेस्ट आप ज्वाइन करिए सुबह और शाम दोनों टाइम है एक तीन, तीन, चार, चार और सिर्फ टेस्ट दीजिए बेटा इसके अलावा कुछ मत करिए अगर सिलेक्शन ना हो जाए तो आप कहना एक हजार एक परसेंट लेकिन मैंने रीजनल सेंटर पे एक सबसे बड़ा ड्रॉवे बच्चों को देखा है चाहे प्रयागराज हो चाहे कोई भी रीजनल सेंटर हो मैं यही बात नहीं कर रहा हूं कहीं के भी वो सबसे ज्यादा अगर वैकेंसी का वेट करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस और यूपीएसआई लेकिन आप कभी गौर करना जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं संदेश में आप कभी ध्यान देना मैं कांस्टेबल का एसआई कभी नाम नहीं लेता ना मैं तवज्जो देता हूं उसका रीजन बता रहा हूं ये वैकेंसी कब आएगी कब इसका एग्जाम होगा कब इसका फॉर्म निकलेगा कब एक कोर्ट में जाएगा कब नहीं आएगा कब भर्ती हो गई पेपर लीक हुआ नहीं पता लेकिन आप सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण आप जेडी का देख पा रहे हैं जिसे अभी सर ने आपके सामने बोला भी और इसे आप देख पा रहे हैं हमें जहां तक याद है इसका एग्जाम से लेके अभी तक छह से सात महीने में आपको लगभग जॉब का कार्ड आपके हाथ में दे रहा है और इन्हीं सब चीजों को लेकर आप देख पा रहे हैं हम आप अपने बारे में थोड़ा सा बोलना चाह रहे हैं कि हमारी संस्था ने अभी तीन सेंटर हमारे पास है एक हेड ऑफिस है जो बालसन पे है दूसरा बेटा हमारा सेंटर है गोविंदपुर में है जिसान मार्केट और तीसरा जो सेंटर है वो सेंटर हमारा है ट्रैफिक चौराहे के बगल में है आप देख पा रहे हैं ठीक है तीनों में से संदेश कभी भी गौर करना बेटा जो यहाँ जुड़े हुए हैं कभी कभी भी जो बड़ी संस्थाएं होती हैं जो नेशनलाइज होती हैं वो कभी भी आप देखेंगे डिस्काउंट नहीं देती कभी भी नहीं देती हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट हमारे यहाँ दिया गया था वो भी एक दिन के लिए दिया गया था लेकिन आज भीड़ ज्यादा होने का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला और आप लोगों का उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया अच्छा लगा आप लोगों का तो हम लोगों ने इसको एक से दो दिन और बढ़ा अब ये मत समझना कि दो बढ़ा चार बढ़ा चार नहीं बेटा एक से दो दिन इससे ऊपर हम लोग नहीं देंगे ऑफर ये बात को सैटरडे लास्ट है सर का स्टेटमेंट है बेटा फिर उसके बाद हम लोग टेन थाउजेंड

आप अपना भविष्य का चुनाव हाथ में है और अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल सी एच एस एल का मैंने पूर्वालोकन यानी जो अभी इस बार का एक जुलाई से लेकर तीन चार जुलाई तक सी एच एस एल पेपर हुआ था जिस लेवल का मैंने पढ़ाया है एडवांस मैथ तो उससे कम से कम 40 परसेंट नीचे 40 नहीं 60 परसेंट नीचे उससे लेवल पूछा है क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं एकदम जीरो से शुरू करता मैं मान के चलता हूं आपको कुछ नहीं आता है लेकिन जब छोड़ता हूं तो मैं उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए नहीं छोड़ता हूं और सिंगल कॉन्सेप्ट सिंगल क्वेश्चन हमारे रेंज से बाहर नहीं गया है तो ये हम लोगों के लिए दोस्तों फक्र की बात है और आप लोग जैसे विश्वास किए हैं वैसे ही आप लोग संदेश विश्वास करिए और दोस्त दो ही चीज है एक कदम आप बढ़ो एक कदम हम बढ़े, और लक्ष्य आपके सामने है इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ आप लोगों ने कॉपरेट किया उसके धन्यवाद